हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। फ्रेंड, आज का वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंट स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग नॉलेज। हम बताना चाहेंगे कि ड्राइंग में स्ट्रक्चर का ड्राइंग में पहले स्टील बांधने से पहले क्या देखना चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे, सारी डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। जैसे बीम के कैसे पहले क्या करना चाहिए, कॉलम का क्या करना चाहिए। एग्जांपल हम एक फुटिंग को ले लेते हैं, फुटिंग पर ही सारा वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, तभी कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ नॉलेज आप सभी भाइयों को मिलेगी। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। पहला नंबर में फुटिंग से स्टार्ट करेंगे। फुटिंग देखेंगे, उसका फुटिंग का लेंथ क्या है। लेंथ विद थिकनेस, ये पहला इम्पोर्टेंट हो गया ड्राइंग के अंदर के बारे में बता रहे हैं बात। सेकंड नंबर में हम बात करेंगे डायमीटर ऑफ फुटिंग। रेन्फोर्समेंट डायामीटर ऑफ फुटिंग रेन्फोर्समेंट, मतलब उसमें कौन सा डाया का स्टील लगेगा वो देखेंगे ड्राइंग के अंदर। थर्ड नंबर की बात कर ले, ग्रेड ऑफ रेन्फोर्समेंट, कौन सा ग्रेड का स्टील लगेगा, कौन सा ग्रेड। जैसे ग्रेड भी देखे होंगे आप, स्टील का ग्रेड आता है 7 तरह का, उसका भी वीडियो बना चुके हैं इस चैनल पर, आप आकर के देख सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ी हुई है। स्टील का अलग अलग ग्रेड होता है। फोर्थ नंबर में सी सी का मतलब होता है स्पेसिंग ऑफ रेन्फोर्समेंट, मतलब सेंटर टू सेंटर उसका स्पेसिंग क्या है, स्टील का स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर क्या है, इसका मतलब सी सी इसका मतलब कि सेंटर टू सेंटर स्टील का स्पेसिंग अंदर कितना जगह, जैसे 10 सेंटी, 15 सेंटी, 20 सेंटी, ये भी देखना है। फिफ्थ नंबर में हुक लेंथ, स्टील में जो बेंडिंग होगा उसका हुक कितना होना चाहिए,
एल जैसे जो बोलते हैं कि एल बार, एल जैसे हो गया, उसका हाइट के हिसाब से उसका हुक निकालेंगे। थिकनेस में देखेगा कि कितना थिकनेस है, तो उसके हिसाब से ये हुक दिखाएंगे इफ नीडेड। हाँ, आदमी को कितना चाहिए ये इसके बाद, इफ नीडेड आदमी को कितना चाहिए उसके हिसाब से बना लेंगे। सिक्स नंबर में कंक्रीट कवर फुटिंग टॉप एंड बॉटम, बॉटम में कितना क्लियर कवर रहता है, टॉप में कितना क्लियर कवर रहेगा, दिखा है लिखा है ड्राइंग में, उसको देखेंगे। तो फ्रेंड, आप तो समझ गए होंगे कि ये इम्पोर्टेंट स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग नॉलेज क्या है। सब कुछ जो है ये पहले करना पड़ेगा, ड्राइंग को जो है प्रॉपर चेक करेंगे फुटिंग में क्या है। जैसे सपोज के तौर पर मैं एग्जाम्पल दे दिया, आपके पास बीम है, कॉलम है, स्लैब है, फाउंडेशन है, राफ्ट फाउंडेशन है, जो कुछ भी हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ फुटिंग के लिए दिया है, जैसे जैसे जगह जगह पर लिख दिया। तो फ्रेंड, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजफुल साबित होगा। कोई भी बात जो है इसमें डाउट वाली बात नहीं है, सब क्लियर बात है। आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि पहले क्या क्या करना चाहिए ड्राइंग के अंदर। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो भी काम होता है, इस चैनल पर बहुत वीडियो बने हुए हैं, आप चैनल पर आइए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों को मिलती रहे। और इससे ज़्यादा जानकारी चैनल पर वीडियो पर क्या दें, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए थैंक्स एंड टेक केयर।